मंत्री नीतीश कुमार ने आवागमन के चलते गंभीरता से लिया। उन्होंने बता दें कि बेली रोड पर आवागमन बंद किए जाने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बेली रोड से होकर गुजरने वाली मेट्रो रेल परियोजना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बेली रोड के नीचे भूजल स्तर की जांच कर आगे की योजना तैयार करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना ने भविष्य के लिए सचेत किया है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी घटना के कारणों की पड़ताल की बात कही। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की घटना न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। यह पथ का निर्माण हो रहा है, उसमें अंडरपास, फ्लाईओवर, ये सब के लिए सड़क में तो गड्ढे किए जा रहे हैं, इसी में पिलर बना करके ऊपर ले जाया जाएगा। और इस क्रम में बेली रोड में एक स्थान पर सड़क धंसने की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि पानी का रिसाव होने के कारण मिट्टी नीचे की कट गई, इसके कारण धंसा है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अभी हमारी चिंता यह है कि जल्दी जल्दी हम आवागमन कैसे चलें। हम खड़े हैं पटना के बेली रोड में, जहां एक कह सकते हैं हादसा हुआ, जिसमें ये पुल आप देख रहे हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल टूटकर नीचे गिर गया है और ये लगातार जो पटना में है, पिछले 24 घंटे से लगातार मॉनसून की बरसात हो रही है और बिहार में मॉनसून ने अपना दस्तक दिया। उसके बाद ये पुल का काम चल रहा था। बेली रोड पूरी तरह से बाधित है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो आने जाने का रास्ता था, ये उसको भी अभी फिलहाल जो है पूरी तरह से रोक दिया गया है। खुद सीएम नीतीश कुमार यहां आए थे और निरीक्षण किए हैं और ये पथ निर्माण विभाग द्वारा ये पुल बनाया जा रहा था। हम कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जरा आप आइए, कैसे गिर गया? वो 3:30 बजे गर्मी गिरा। कैसे? वो ऐसे वो लगा हुआ था ना, ऐसे वो ऐसे गिर गया, मिट्टी का धस। हाँ, मिट्टी के धसने से हुआ। साहब हैं आपके? तो साहब देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो भी वहाँ पे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि कैसे धसा, क्या धसा। आप देख रहे हैं कि लगातार ये काम भी चल रहा है यहाँ पे पुल निर्माण निगम के द्वारा, ये लगातार काम भी किया जा रहा है और ये स्थितियां हैं क्योंकि ये आम लोगों के लिए ये बनाया जा रहा था पुल और उसमें कहीं न कहीं ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी के कट्टे से ये मामला पूरा हुआ है। अधिकारी हम उनसे भी बात करते हैं कि सर क्या कुछ मामला हुआ था, क्या कैसे धस गया था? जो भी सपोर्ट था, ये इतना हेवी बारिश हुआ, नाला इधर का ओवरफ्लो होकर के इतना जबरदस्त आया जिसके हिसाब से ये कोलैप्स हो गया। तो क्या लगता है, अभी तो इसको खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे, स्टोर में जी जान कर लगा हुआ है, जैसे होगा वैसे तुरंत किया जाएगा। तो पहले भी तो इसकी जांच होती है, मिट्टी की जांच हुई होगी ना? कि मिट्टी की जांच नहीं है, मिट्टी का कमी नहीं है, कमी पानी इतना हेवी आ गया चारों तरफ से, पानी के कारण ही ऐसा कारण हो गया, और कोई बात। क्या इसका किया जाए, क्या यहाँ पुल बनेगा? बनेगा पुल, क्या नहीं बनेगा, पुल बनेगा, पुल बनेगा, पुल से क्या मतलब है उसको? अच्छा, इसको फिर से रीस्टोर कर दिया जाएगा, पुल तो बीच में बनना है ना, पाया उठना है। तो देखिए, ये इंजीनियर्स तो ये कह रहे थे कि ये जो है मिट्टी बारिश के कारण, आप देख रहे हैं ये कटाव किस तरह से मिट्टी कटकर बाहर आ गया और नाला, इनका कहना था कि जो नाला यहां से गया उसके हिसाब से ये पूरी तरह बाधित हुआ है और अब कहीं न कहीं इस पूरे जो इलाके को है पूरी तरह से सील कर दिया गया है, आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आज रविवार है इसलिए हालात थोड़े ठीक है, लेकिन सोमवार को स्कूल खुलेंगे तो क्या ये चालू होगा? पूरा रिस्टोर करने के लगा हुआ है, जी जान लगाया हुआ है जी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक इस अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल ये जो रोड है बेली रोड, ये पटना का कह सकते हैं हर्ट है और इस पर लगातार लाखों गाड़ियां 24 घंटे चलती हैं, लेकिन फिलहाल जोर शोर से पुल निगम द्वारा ये काम किया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि आगे कब तक ये रोड शुरू हो पाता है या चालू हो पाता है। सहयोगी संजय के साथ संजीव राय, साधना न्यूज पटना। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये अभी जो अपडेट है हमारे पास, बेली रोड में जो कह सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय था, उसके पास एक पिलर की खुदाई की गई थी, जहां की अगर आप कह सकते हैं कि पटना में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हुई है, उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो पटना का हर्ट है बेली रोड, वो पूरा जो है रोड कट चुका है और पूरी तरह से वो धस गया है। सवाल उठता है कि ये वहाँ पे पुल निर्माण का काम जारी था और लगातार वर्षों से वहाँ पे वो काम हो रहा था और उसके बाद धस जाने के कारण वो पूरा यातायात व्यवस्था बाधित हो गया है। कुछ देर पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले का निरीक्षण किया है, मुआयना किया है और पथ निर्माण मंत्री भी वहाँ पहुंचे हैं और अभी कुछ देर पहले वहाँ पे जो पटना के जिलाधिकारी हैं वो भी वहां पहुंचे हैं और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वहां पहुंच गए हैं और लगातार मुआयना किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से ये कैसे ये हुआ और इतना बड़ा कटाव किस तरह से हुआ। आखिर जिस जो कंपनी काम कर रही थी वो यहाँ का किस तरह से मुआयना की, आखिर मिट्टी क्यों धसा,
तो सीएम ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो है ट्रैफिक को जो पटना का सचिवालय का जो इलाका है वहां से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जितने भी जो पुल निगम के जो इंजीनियर्स हैं और तमाम जो लोग हैं वो वहां मौके पर मौजूद हैं। और रवि कुमार जो है भारी बारिश हो रही है, लगातार यहां बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी तमाम जितने लोग हैं वहां पर निरीक्षण में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन के कारण आज यातायात व्यवस्था पे उतना कह सकते हैं प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन कल जब सोमवार होगा और स्कूल खुलेंगे, ऑफिस खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये जो है लाइफलाइन रोड कहा जाता है पटना का, और लाइफलाइन रोड जो है वो पूरी तरह से कट चुका है और वहां पे कह सकते हैं कि आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं इंजीनियर्स और तमाम जो अधिकारी है मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन बारिश बहुत बड़ी बाधा है। और मैं बता दूं कि पिछले जो 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उसमें पटना पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और ये नगर निगम के दावे भी लगातार रहते रहे हैं कि पटना इस बार बेहतर होगा, लेकिन हर बार नर्क में तब्दील होता है पटना। और यही कारण है कि जो हवाई अड्डे और तमाम जगहों से जो पानी आ रही थी और ये वाटर लॉगिंग, ये पता था कि पहले से कि वाटर लॉगिंग हैवी वाटर लॉगिंग होगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये पहले से अगर इसको रोका जाता तो ये चीजें नहीं होती। और ये बहुत अच्छा हुआ ये पहले पता लग गया, क्योंकि कम से कम मिट्टी की जांच किस तरह से हुई ये एक सवाल उठता है कि मिट्टी की जांच किस तरह से हुई, और जब अगर जांच हुई तो आखिर इतना पानी आने के बाद ये धस गया, तो फिर अगर पुल इसमें बना होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अभी काम जारी है पुल बनाने का और खुद जब मुख्यमंत्री ने इसमें इंटरवीन किया है, मुख्यमंत्री ने देखा है, तो इसके जांच के आदेश दिए। और अब अभी जो फिलहाल जो स्थिति है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यातायात को सुचारू किया जा सके। जी संजीव, अगर रूट डायवर्जन की बात किया जाए तो किस तरह की प्रशासन की तैयारी है? जिस तरह से आपने कहा कि आज संडे है तो उतनी ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो कल जब मंडे को इतनी ट्रैफिक होगी तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी रहेगी इस ट्रैफिक को सही तरह से चलाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने पहला जो सवाल किया कि आखिर जो दूसरा इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा, तो वैकल्पिक व्यवस्था जो अभी फिलहाल है वो सचिवालय के तरफ से जो है रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। बेली रोड से पटना को किस तरह से जोड़ा जाए इस पर कवायद हो रही है, क्योंकि जो आधा आबादी है वो कम से कम जो कह सकते हैं न्यू पटना का जो एरिया है गोला रोड और तमाम दानापुर जो एरिया है उसको किस तरह से पटना जंक्शन से जोड़ा जाए और पटना दानापुर जो है उसको कैसे सिटी से जोड़ा जाए, तो ये अभी कवायद चल रही है। और अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके बेली रोड पर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि जो आवागमन है उसको कल सुचारू किया जाए, क्योंकि जिस तरह से बेली रोड पर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है ट्रैफिक का, तो ऐसे में वहां पे खुद ट्रैफिक एसपी और तमाम लोग मौजूद हैं और इस पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। जी संजीव, जिस तरह से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं मेट्रो रेल परियोजना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, निश्चित तौर पर मेट्रो के प्रोजेक्ट भी इसमें आने थे और ये लगभग डीपीआर पूरा तैयार हुआ पड़ा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद इस जगह पे आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार मेट्रो का भी प्रोजेक्ट पटना में आना है तो अब कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ गया है कि आखिर पूरी जांच परख के बाद ही इस पर मेट्रो के लाइन बिछाए जाएंगे या फिर जो पुल बन रहा है उस पर पुल अगर आगे बने तो भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घटे, इसके लिए कहीं ना कहीं अब सजग हुआ है पुल निर्माण निगम और तमाम लोग। और मुख्यमंत्री के आने के बाद ये साफ हो गया है कि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और निश्चित तौर पर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट आना है पटना में मेट्रो का आपने जो जिक्र किया, तो उसके चलते भी ये मुआयना किया जाएगा कि आखिर किस तरह से और कैसे इसको बेहतर तरीके से लाया जाए। जी संजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेली रोड पर आवागमन बंद किए जाने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बेली रोड से होकर गुजरने वाली मेट्रो रेल परियोजना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बेली रोड के नीचे भूजल स्तर जांच करने की बात कही है। रुक करते हैं।